खाते, सो शी सेड कि जाके ब्रेड ले आ और हम लोग सैंडविचेस खा लेंगे। तो देखते हैं, वैसे सैंडविचेस भी ऐसे मौसम में मौज। गाइस ये मैंने सारा सामान ले लिया है, दूध बटर ब्रेड जो भी लेना था ले लिया है। अभी मैं घर वापस जा रही हूँ, मेरा इतना मन कर रहा है सिद्धार्थ से मिलने का अभी सुबह सुबह, लेकिन देख लो बदतमीजी, खिला चुकी हूँ जबकि इसे मैं नौ। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, दिस इज मर्शिका एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को क्लिक कर लो ताकि आगे आने वाले व्लॉग्स और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो बेसिकली आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग हुई तो सही थी, लेकिन फिर इट्स नॉट सो गुड मॉर्निंग बिकॉज आंटी आज नहीं आने वाली हैं काम करने के लिए, तो सारा काम हमें खुद से करना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कुकी, क्योंकि वो साथ में काम करने ही नहीं देती। अगर आप झाड़ू उठाओगे तो वो झाड़ू खाएगी, पोछा लगाने जाओगे तो पोछा खींचेगी, और सुबह से उसने तंग कर रखा है। हमने तो अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है जबकि वो अपना पराठा खा के बैठी है, बिकॉज मम्मी की आदत है सबसे पहले उसको खिला देती हैं। तन्मय घर पर है नहीं, वो गया हुआ है, रात को घर आया नहीं था, अपने फ्रेंड के घर ही रुका था। तो बेसिकली कुकी ने रात भर परेशान किया और अब वो सुबह सुबह भी हमें परेशान करने वाली है। देखो क्या हरकतें हो रही हैं इसकी, बस पॉलिथिन मिल जाए, पेपर मिल जाए, फाड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। आप बने रहिएगा चैनल पर और सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। सो गाइज, मुझे अभी मॉर्निंग टी लेनी है, और खाली मॉर्निंग टी तो मैं ले नहीं सकती, तो अभी मैं अपनी खुफिया जगह से निकालूंगी अपने बिस्किट्स। हाइड एंड सीक के डार्क फ्रेंड, हाइड एंड सीक के चौको रोल्स, इसमें से एक विट्टी, हालांकि पूरे दिन भी चरती रहती हूँ मैं इसमें से, बट ठीक है कोई नहीं। सुबह की चाय कभी भी वैसे खाली नहीं मतलब पीनी चाहिए, वो नुकसान करती है, इसीलिए हम एक कुकी के साथ इसे खाएंगे, अगर दूसरी कुकी हमें खाने देगी तो। तैयार हो रही है सुबह की चाय, जो कि मम्मी अपनी पी चुकी हैं और मेरे लिए हमेशा लेट बनाती हैं, और आज आंटी तो आई नहीं है तो मम्मी बन चुकी हैं। मम्मी आंटी नहीं बन चुकी, बट मम्मी आज के लिए हाउस हेल्प बन चुकी है। हर संडे ही बनती हूँ भाई। ओहो हो, यस, हर संडे बनती हूँ। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड हाउ आर यू? वेयर इज कुकी? कुक सर, आप कुछ काम, आप हेल्प नहीं करोगे काम करने में? अरे कर दो थोड़ा सा, ये कुछ हेल्प नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ उल्टा हम काम कर रहे होंगे तो हमें। ये देखो आलू, आलू तेरा फेवरेट है क्या? हर वक्त चबाती रहती है मम्मी, ये बॉइल्ड है? नहीं, कच्चा है, खाला ये। कुक बेबी, ओ दे दो, मुझे पता है तू नहीं देगी, हट बॉय। हम लिया आ गई कुकी, ये मेरा है, भाग जाए यहाँ से, मेरा है ये। कॉक्स जंप, शैतान बिल्ली। तो यार ये लड़की मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने दे रही है, मेरे से लड़ाई कर रही है बिस्किट के लिए, जबकि मैं इसको इसके हिस्से का दे चुकी हूँ। नो, देखो कैसे खड़ी है, ये देखो, ये देखो अपने हिस्से का खाने के बाद। अच्छा देख लो बदतमीजी, खिला चुकी हूँ जबकि इसे मैं नो। सो गाइस, मौसम हो रहा है एक नंबर सेक्सी, इतना मस्त मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा सा, ऑल दो ठंड है ही, लेकिन ये जो बारिश के बाद कोसा कोसा सा मौसम हो जाता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सारे के सारे जो ट्रीज़ हैं उनकी ग्रीनरी, उनकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। रोड आज भी गीली है क्योंकि रात भर शायद फिर से बारिश हुई है, बट ठीक है, कल मम्मी ने बारिश में पकौड़े बनाए थे सुबह सुबह, भाई मौज आ गई थी खा के। आज मम्मी बोल रही हैं कि पूरी बनाने के लिए, कह रही थी पूरी सब्जी के लिए, लेकिन फिर बोलने लगी कि दोपहर में खा लेंगे। एक्चुअली मुझे ना यहाँ पेन हो रहा है, शायद टॉन्सिल्स हो गए हैं तो तला हुआ नहीं खाते, सो शी सेड कि जाके ब्रेड ले आ और हम लोग सैंडविचेस खा लेंगे। तो देखते हैं, वैसे सैंडविचेस भी ऐसे मौसम में मौज लगते हैं, ये देखो भाई। लोगों को चैन नहीं है, लोग बरसात में भी बाहर घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हम भी तो ऐसे ही हैं। बेफालतू का कचरा सबसे ज्यादा निकला है ये झाड़ू मारने में, ये देखो, ये देखो आज बाई वाले काम करने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुकी की वजह से ना ये स्ट्रगल और ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या जरूरत है ये पन्नियों की, ये तो चलो इसने खा के, ये तो मैंने ही खाकर फेंका था,
बट ये देखो ये सब पॉलिथीन सब फाड़ रखी है इस लड़की ने, और यही कूड़ा ना घर को और ज्यादा गंदा बना देता है। बाकी देखो इधर उधर कुछ ज्यादा गंदा नहीं है, बट इस कुकी की वजह से ये सब मैं अंदर से समेट के लेके आई हूँ, वहां से सब फैला के रखती है। बेसिकली डॉगीज जितने प्यारे होते हैं ना उनके साथ सर्वाइव करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। एक काम को इतना बढ़ा देती है ये लड़की, वह ठीक है प्यारी भी तो है। अभी अभी बंद करके आई हूँ तन्मय के रूम में उसको, क्योंकि करने ही नहीं दे रही थी। मैंने बताया था ना झाड़ू खींचती है, तो ऐसे ही झाड़ू खींची जा रही थी मेरे हाथ से, और बहुत सारे काम हैं आज और इसकी वजह से वो सब डिले हो जाएंगे, इसलिए मैंने फॉर अ टाइम बिंग हाफ एन आवर के लिए उसको अंदर बंद कर दिया है। खाना वाना उसने खा ही लिया है, सो नॉट अ बिग डील। सब पुराने हैं, दो दो तीन तीन पेन तक क्यों नहीं है तू? सिद्ध कितना छोटा सा आता था ना, कितना पहलू भाई, सिद्ध कितना छोटा आता था, बहुत छोटा सा। जब मैं दूसरी कलर तब भी उससे ही पहले से आता हूँ यार, उससे भी पहले से आता हूँ, कर दिया सिद्ध। और एंजल तो हुई भी नहीं थी, मीलो आंटी तब से आती थी। हाँ। एंजल तो हमारे सामने के। तो समझ लो 12-13 साल पहले से आ रहा हूँ मैं। एंजल 2008 में हुई है। जब मेरी उम्र 19 साल है तो तू 12-13 साल पहले से कैसे आ सकता है? क्यों नहीं, जब एंजल एंजल 12 साल की हो गई, मतलब तू मान रहा है मैं 19 साल की हूँ? ना ना 19 की तो नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर ब्रो। हाँ नंबर तो होता है, लेकिन नंबर एज नंबर तो होता है ना, उतनी तो वैल्यू देनी पड़ेगी। गेट लॉस्ट। सो गाइस चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। आज तन्मय घर पे नहीं है तो दूध नहीं आया है अभी तक, तो मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ। और मौसम बहुत सही हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसी मौके का फ़ायदा उठाया जाए और थोड़ा बाहर घूम के आया जाए। तो लेट्स बिगिन। बारिश हो रही है बट हल्की बारिश है, सो डजंट मैटर, थोड़ा बहुत कभी कभी बारिश के मज़े लेने भी चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं, दूध लेके आएंगे, ब्रेड लेके आएंगे, बटर लेके आएंगे। व्लॉगिंग करते टाइम ना लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, बट ठीक है ना, काम है हमें तो शूट करना ही है ना। ये देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है भाई, मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। बस यही है कि कीचड़ में किचकिच हो जाती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो छोटा सा बच्चा सामने से कैसे कुछ लेकर आ रहा है, बच्चों की मौज होती है। ओहो ये बचपन यार मैं बहुत मिस करती हूँ, हम भी मज़े किया करते थे। गाइस ये मैंने सारा सामान ले लिया है, दूध बटर ब्रेड जो भी लेना था ले लिया है। अभी मैं घर वापस जा रही हूँ, मेरा इतना मन कर रहा है सिद्धार्थ से मिलने का अभी सुबह सुबह, लेकिन सुबह क्या अब 1 बज रहा है, बट ठीक है क्लासेस थोड़ी आज उसकी, पर सामान है ना पहले सामान घर पर रखेंगे फिर देखते हैं। मैं गीज़र भी ऑन करके आई थी नहाने के लिए, तो अगर ओवर हीट हो गया तो दिक्कत होगा। नहाने धोने के बाद थोड़ा सा मुझे डॉक्यूमेंट्स का कुछ काम है, दिखाऊंगी आज अगर हो सके तो अपने सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगी जो मुझे लाइक हाई स्कूल में या फिर कॉलेज वगैरह में मिले हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये सब चीज़ देख के, तो दिखाऊंगी मैं आपको भी अगर वो काम मैंने आज ही किया तो। और फिर सेट से मिलेंगे, चाहे शाम को ही मिलें कोशिश करेंगे। तो गाइस मुझसे तो आंटी की तरह नीचे झुक झुक के, मतलब लाइक नीचे बैठ के प्रॉपर पोछा लगता नहीं है, तो मैंने तो पोछे का जुगाड़ किया है। और मम्मी तो बोल रही थी कि पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली झाड़ू से काम चल जाएगा, क्योंकि कल ही तो आंटी सफाई करके गई हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा मतलब लाइक क्लेंलीनेस फ्रीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी मतलब चैन नहीं आता जब तक अच्छे से पोछा ना लग जाए, तो मैंने पोछे का जुगाड़ किया वाइपर के साथ, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद मैं सीधा नहाने जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत इरीटेट हो चुकी हूँ सुबह से काम करते करते। ये जुगाड़ किया है मैंने, ऐसे ऐसे लगाने में ना इजी रहता है। अपने कमरे का मैं लगा चुकी हूँ, क्लीन हो चुका है मेरा रूम, अब बस मम्मी का रूम बचा है और बालकनी। तो ऐसे ऐसे पोछा लगाना ना इज़ वेरी इजी कंपेरेटिव टू, और इससे क्या है ना ये साइड के ये जितने कोने हैं ये भी सब साफ़ हो जाते हैं। हाथ से तो भाई बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत, अभी इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, सो अभी के लिए यही जुगाड़ ठीक है। फटाफट ये सफाई आंदोलन खत्म करके नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय। सो गाइज अभी मैं नहा चुकी हूँ, अभी लंच टाइम हो चुका है, तो अभी देखते हैं मम्मी ने आज क्या बनाया है खाने में, फटाफट लंच करेंगे। उसके बाद मुझे मैं आपको बताया ही था कि थोड़ा बहुत काम है, तो वो सारा पेपर वर्क मैं कम्प्लीट करूंगी। आज आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह शायद देखने को नहीं मिले बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, इट्स ऑलरेडी 3, तो मुझे काम कम्प्लीट करना है अपना, तो सून मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी वो सारी चीज़ें भी आज के व्लॉग में। अभी देखते हैं कि खाने में क्या बना है। ओके चलो आप मेरे साथ। गाइस आज बना है एकदम देसी खाना, खिचड़ी, खिचड़ी के ऊपर थोड़ा सा घी और आलू। खिचड़ी और आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज ये इसलिए बना है, मैंने आपको बताया था मेरा गला ख़राब है, थोड़ा टॉन्सिल वाला पेन हो रहा है, तो मुझे बहुत लाइट खाना खाना था,
तो ये बहुत टेस्टी है और मैं फटाफट इसको खाऊंगी। खिचड़ी वैसे मरीजों वाला खाना होता है लेकिन कहते हैं कि बहुत हेल्दी होता है, ऐसे ही पॉरेज भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो हमें कभी कभी हेल्थी फूड खाना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर तो हम वही हैवी खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। बट हाँ, जब तबीयत थोड़ी डाउन हो तो इस तरीके का हेल्थी फूड बहुत सही रहता है। कुकी ने आज खाना नहीं खाया, पता नहीं क्यों, बट मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ, अभी ये खाना खाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सो गाइज, लंच डन हो चुका है, अभी आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर 1 आवर एटलीस्ट। थोड़ा सा साउंड स्लीप चाहिए क्योंकि आज तो झाड़ू पोछा और भी पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। कुछ नहीं किया है, दूध लेके आई हूँ, मैंने बकायदा वीडियो में दिखाया है, ठीक है, कि मैंने कितना कुछ किया था। ज्यादा मम्मी से कराती है, नहीं, सिर्फ खाना बनाया है मम्मी ने, बाकी काम सारा मैंने किया है। तो अभी सोने का टाइम हो गया है, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बेल बटन को क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक मैं हीटर के मजे लेती हूँ और आप लोग भी जाकर अपना काम करो, या सोना है तो सो जाओ, जो करना है करो। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ।